परमेश्वर एक एक भैन भाई नूं प्यार करता, तुसी नहीं जानते प्रभु तुहाडे नाल लव करता, शैतान तुहाडे तों नफरत करता, पर प्रभु तुहाडे नाल की करता। इत्थे जिन्ने लोग आम नहीं, तुसी जबरदस्त प्रभु के बच्चे जो, शैतान तुहानूं देख के डरदा। जिन्ने लोग सुन रहे आ, शैतान ये चर्च डबल जिहड़ा चर्च चों ते लोगों नूं रोकदा, उत्थे ना जायो। क्यों? 12 तो 2 की प्रेयर करन डाएगा, फास्टिंग करन डाएगा, डेली बाइबल पढ़न डाएगा, बुधवार संडे चर्च सदेगा, रात को लगातार प्रेयर सिखाएगा, तो क्यों नहीं डेवल डरेगा? मैनू दसो, डरेगा कि नहीं डरेगा? प्रभु ने उस बंदे नू की आख्या कि ना तू बूटा लाया, ना तू पानी पाया, ना तू मेहनत की, सुक गया, तो तेन इन्नी तकलीफ हुई है, तो मैं 1,20,000 लोगों को कितना छड़ गया। किन्ने लोगों को समझ लगी? जा के उत्थे प्रचार किया, प्रचार तो पहले कर दिता उन्हें। उत्थे लिखा कि जो परमेश्वर ने आकाश तो निगाह मारी तो लोगों ने अपने कामों नू बदल किया। जो लोगों ने अपने काम बदल लाए तो उस वक्त प्रभु ने भी अपना मन किया। पर उन्होंने किया कि उन्होंने किया कि मैनू दसो, जिहड़े जिहड़े लोग सी उस समय, जिहड़े लोग शैतानी काम करते, विचार करते, बुत पूजा करते, बुरे काम करते, जो उन्हें नैनवा दे विच जाके प्रचार सुनिया तो उन्होंने कन्न फड़ के तो माफ़ी की कर ली, अपने भैड़े रावां नू की कर दिता, तो प्रभु ने भी अपना मन की कर लिया। पर उन्होंने किया कि सारे वालों किया कि उन्होंने प्रेयर की, उन्होंने फास्टिंग की, उन्होंने डंगर तक रोजा रखाया, तो प्रभु के मन में बदल किया। तुम्हें यह पता अच्छे घर की प्रोफेसर अड़े घर के कोई मरण वाला तो घर से आप फताने वाली, तुम की करोगे? तुम कि वचन खोलोगे? तुम जनाह का वचन खोलोगे, उन्होंने पढ़ोगे कि जे प्रभु जनाह को बचा सकता तो प्रभु मैनू भी बचा किया। किन्ने लोगों को समझ लगी आ? समझ लगी कि नहीं लगी? जे जनाह का जनाह के समय जनाह ने प्रचार किया नैनवा बचिया, तो जिहड़ा जनाह के समय बोलता नैनवा नूं बचा सकता, तो मेरे द्वारा बोल के तुहानूं क्यों नहीं बचा सकता? किन्ने लोग सुन रहे आ? बचा सकता कि नहीं? बस फिर तुहानूं पता होना चाहिए केस कित्ते आ, किहड़ी कुंडी शैतान की कित्थों नप्पणी आ। मैं अज इह गल सोचदा वी जे तुहानूं एक बाइबल की एक आयत का पता लगा, वा सुनो, जिद्दे तुहानूं पूरी बाइबल की समझ लग गई ना, तो शैतान का की बनूगा? सारे बोलो, सारे बोलो, एक दूजे नाल गल करो, शैतान का की बनूगा? एक दूजे नाल गल करो, गवांढी हो गल करो, इन्हां वल कमा करो 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 गल, बोलो बोलो, गवांढी हो एक दूजे नाल गल, तुसीं गवांढी पड़ोसी जे पड़ोसी नाल गल, ओए की बनू शैतान का जे सारी बाइबल की समझ लग गई? करो, तुसीं पड़ोसी जे एक शब्द बंद, ओए मत्ती 18:18 च बज जा, आमीन आमीन आमीन, बज बज के हुंदा? मैंने पता कि खोल दे, बड़े चरदा बदा वा, मैं क्या मैंने बनना आता, मैंने खोलना आता, तो खोलना भी पर तेन खोलना ही। एक छोटी जी बच्ची होंगी, उन्हें घर बनना, तेने खोल देना रोज शैतान को, उन्हें कहना मैंने खोल दे, उन्हें बोलना मत्ती 18:18 चल, बोलना नहीं पर इतने खोल के और सापा खड़ा कर दूंगा, आमीन। मेरे भैन भरा, मैं तुम्हें यह गल दस नहीं चाहना, ये चर्च जूंदी चर्च क्यों कहा गया? क्योंकि इतने तुम हर एक काम जो बाइबल के द्वारा ही होना, क्योंकि मैंने रोज़ एको प्रभु की आवाज़ आती है कि बेटा बाइबल दे, बेटा बाइबल दे, बेटा बाइबल दे, बाइबल तो बिना इन्होंने सुधरना, भावें जिन्हें मर्जी भंगड़े पाने कि कमियां खुन ना 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 ना, ना। आप पढ़ने ना सर भुनने, पर कमियां निकलदियां कदे नाल आ जाए, आ जाए, ये कटदा जे, ये लड़ाई बंद करता, ये जनानी की जित करने बारे बोलता, ये पड़ोसी नूं माफ करने बारे बोलता, ये कहिंदा अपने नहीं नहीं सब तो पहले दूजे की मदद करने वास्ते की आ, फिर कमियां कौन करता? सारे बोलो, सारे बोलो, जिन्हों आप प्यार करते, कई 6-6 महीने बंद पिया कपड़े जब लेटा ना कभी खोलिया ही, कितना ठीक हो गए? मेरे भैन भराओ, इस जगह पर नैनवा की एक प्लैनिंग देखी कि प्रभु के दास ने उन्होंने वचन दिते, पर उन्होंने अपनी गलतियां की कर लिया, मन लिया, तो उन्होंने ब्लैसिंग की होगी, बदल बचे कि नहीं बचे? बचे ना। बस इस तरह जो तुम प्रेयर कर दे, जो तुम रोजा रख दे, जो तुम बाइबल पढ़ दे, तीन चीज़ा वा अज अपने जीवन याद रखनी है। पहला नंबर, प्रेयर जड़ी मन की करती है, प्रेयर मन की करती, तो दूसरा जो आप जो फास्टिंग करते हैं तो आप क्लीयर प्रभु की आवाज़ में ट्यूनिंग की है। किन्ने लोगों को समझ लगती है? जो तुम 6 घंटे की प्रेयर से जाओगे, 8 घंटे की प्रेयर से जाओ, 4 घंटे की प्रेयर से जाओ, तुम्हें 2 आवाज़ सुन गई शैतान, ओए ओए उठ जा उठ जा उठ जा, जब ताे अगे रोटी लियाएगा,
ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਕੌੜੇ ਫਲਾਣ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗੂ ਉਹ ਚਿਕਨ ਲਿਆ ਜੀ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਜਾ ਦਫਾ ਜਾ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਕਰੇਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਦਿੰਦੀ ਲਾਸਟ ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਓਏ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਓਏ ਓਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੈਪਚਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਤੋੜ ਅਤੇ ਮਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰੋਕੂ ਕੁਦਾ ਦਿਓ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਬੇਟਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨਾ ਘੱਟ ਜੇ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਦੁਲਖਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਜ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜੋ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹੱਥ ਲਾਓ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਏਗਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਲਾਸ ਡਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪਿਆਲੇ ਫੜ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦੇ 10:19 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਕੋ ਜਾਓਗੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਏ ਜੀ ਖਾ ਲਈਦਾ ਗਲਤ ਆ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਐਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਪੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਆ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੀ 19-20 ਐਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਥੀਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਕਲੀਸੀਆ ਬੱਜ ਰਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:14 ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦਹਿੰਗਟ ਲੱਗੇਗੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਹਿੰਗੜ ਲੱਗੇਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਦਹਿੰਗੜ ਲਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿੰਗੜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਈਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਈਦਾ 2-4 ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸਮਝਾਈਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ AK-47 ਰੱਖੀ ਆ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਆਮੀਨ ਹਲੇਲੂਯਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਟਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਫਸਟ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:36 ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਧੀਰਜ ਅੱਜ ਆਪਣਾ 1:30 ਵਾਲਾ ਧੀਰਜ ਸੀ ਨਾ 2 ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋ ਗਰਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਾਂਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪਲੈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਤੋੜ ਗਈ ਆ
तो जरा मरिया सू कभी भी डरा की आ कि लोगों ने समझ लगी है तालियां कितने आज लोग बाइबल दे लिखा तुम उद को डरते जरा देही का नाश की आ पर उद को डरो जरा देही और रूह नू दोनों नरकों में सुटन की शक्ति की आ कि तो कोई डरना फिर बोलो 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 हो देखो हूँ हंसी वाली गल बहुत सारे लोग पहले की करते हैं दीवा पहले आप लिया दुकान तो सुनियो दुकान तो दीवा लिया के ला देंगे उस बाद डीट लाते जलाते बाद च कहते ये बाबा बहुत ज़्यादा की हो गया बोलो सारे ये की हो गया उच्ची बोलो लिया कि नहीं दुकान ते कौन गया डीट किन्ने लाई तील किन्ने लाई यारा कितों आया अपने आप नूं आप ही की कर रहे हैं सारे वालों मखौल कर रहे हैं और मेरे भराओ ये कुछ नहीं है डरो ना अड़े और खड़े तो तड़ करता तप्पड़ शैतान नूं बाइबल दे विचों दया करो जो तुहाडे नाल गल करता अज किन्ने लोगों नूं भरमाउंदा ओ मैनू मन मैं तैनूं आ दे दांगा मैनू मन मैं तैनूं ओ दे दांगा ऐ वेखो बाइबल प्रकाश की पोथी उहदे 20 बाब दी 10 आयत पढ़ियो जरा जल्दी कर दे जरा प्रकाश की पोथी आपां पढ़ांगे उहदे 20 दी आप 10 आयत पढ़ांगे वेखो जिहड़ा तुहानू कहिंदा ओए मैनू मन ओ मैं तैनूं मुंडा दे दूंगा मैनू मन मैं तैनूं ओह दे दांगा वेखो बाइबल च की किहा प्रभु ने जिन्ना चिर कलीसिया बाइबल नहीं ना पढ़ेगी पूरी जिंदगी कदी यूट्यूब ते इहनूं वेखणगे कदी उहनूं वेखणगे कदी इहनूं वेखणगे समय लगेगी नहीं लगी अपनी बाइबल पढ़ो तो अपनी बाइबल नूं पढ़ना ना छड्डो तो इक्के दास ना बने रहो मैं कहा जिथे बैठे थे तुहाडे काम होने वास्ते जा रहे हैं मैं खड़ा इत्थे परमेश्वर दा दास वेखो ना आणगे इत्थे खड़ा जी क्योंकि प्रभु वो कर सकता जो तुसीं सोच की आ मंडली वधे ना वधे पर चम लाउणो मैं हटना किन्ने लोग सुंदे आ छिल पूरी लवांगा तो मंडली तो वधेगी क्योंकि लोग नरकां दे अधिकारी की आ नहीं बन गए अज आपां कित्थे जांदे आ जिथे फुल्लियां दित्तियां जांदियां वो कोई नहीं भैन जी दवा करके खा लीदा बस फिर समझ लो फिर तू धोखे दे विच लोग की कर रहे पर कसूर तुहाडा नहीं तुसीं बच जाना वा तुसीं बच जाना ताड़ा कसूर नहीं आ सिर्फ कसूर उहदा ही जिहड़े ने तुहानू सही तरीके नाल सिखाया ही ताड़ा नहीं कसूर फसेगा वो जिहड़ा फुल्लियां वेच रहा खीरा वेच रहा खीरा की हो रही आ पर इत्थे करेले की हुंदे आ ते लोहा लोहे नूं की करदा तो लोग गवाही देने वास्ते की आ इत्थे लोहे नूं लोहा कटदा बैठे कि नहीं गर्मी दे विच इहनूं लोहा कहिंदे इत्थे सारे एसियां वाले भी विच है कि जिन्हां दे घरां च एसी आ पर बैठे रमान ना एसी नहीं आ इत्थों लै के उठना ही तुसीं अधिकार वाले लोग जे तुहानूं प्रभु ने अधिकार दिता लूका 10:19 दा अधिकार किन्ने लोगों दे कोल आ लूका 10:19 बाइबल च लिखा मैं तुहानूं सप्पां ते बिशुआं नूं लताड़न दा की दिता उह तुहाडे वस विच उह तुहाडा नुकसान जदों कोई डर प्रभु ने कहा तुहाडे वस च जे जिदे गल च कुत्ते वाला पटा पाया होवे ते की गल तुहानूं कुछ कर सकदा कदी कुत्ते नूं बद्धा हुंदा जदों बद्धा पटा पाया हुंदा कुत्ता हाँ ये गल है कि भी कुत्ता जदों ज़्यादा देर बद्धा रहिंदा ना वो चिड़चिड़ा जरूर हो जाता कहिंदे लोग सुणदे आ समय लगेगी नहीं क्योंकि इहनूं कुत्ता ते कुत्ता ही कहांगे गोल्टी कहिंदा ना मैं शब्द नहीं बोलदा मैं बोलदा कुत्ते नूं कुत्ता नहीं कहांगे तुहानूं प्यो कहांगे कहिंदे लोग सुणदे आ साडा प्यो एक ही है एक कुत्ता वा ने कुत्ते वाले काम किए तो कुत्ते चुक के प्रभु ने स्वर्ग तो थले की किया तो कुत्ता लोगों वड की आ तारीफ करो परमेश्वर के वास्ते पहले नंबर से ताडे अंदर डरपोक लोग परमेश्वर की बारगाह च दाखिल किया क्योंकि जो ताडा दास गरजता बबर की बबर शेर की गरज आई गरज कितने आ हुण उहने कोई चंगा काम किया मैनू दसो मैं की सिफत दवा की हवा में जाकर उन्हें चंगी गल्लां दसियां बाइबल च लिखा झूठा तो झूठा का की आ तो फिर कुत्ता ने की तुहानू की कहीए बोलो बाइबल च लिखा इंसान अपने कामां तो दरख्त अपने फल तो पछाणिया तो कुत्ते दे काम कुत्ते तो कुत्ता नहीं कहना तो उन्हें प्यो कहीए बोलते नहीं है जिहड़ा रात नूं कुड़ियां नाल आ के तुहाडे नाल गंदे काम करदा उन्हें प्यो बनाओ फिर जिहड़ा 12 to 2 बजे आण के लोगों के मिसकैरज करता उन्हें प्यो कहिए तुसीं दसो मैनू किहड़े पासे उन्हें कुत्ता ना कहिए काम किहड़े उहदे जिहड़ी दोवां जिंदे नूं बन नहीं दिंदा चंगा काम करन दिया इह सिफत वाले काम करता फिर कुत्ता ने कहिंदी की कहिए मैं तैनूं कुत्ता दे सूर भी नाल कहना क्योंकि गंदा और गंद की करता खांदा इस करके कुत्ता दे की आ सारे वल्लों कुत्ता दे की आ प्रभु वास्ते तारीफ करो कुत्ते वास्ते कोई तारीफ नहीं करनी ब्रैकल कुछ नहीं बोल सकते शेर बंदे बोलते हैं जिन्हें अंदर अनाइंटिंग है प्रभु की
अवेलेबल हर वक्त प्रभु की हजूरी च तैयार। बड़ा भौंकता रात में आ के कई गल्लां करदा, चल तेत हो जा गैट आउट हो जा, आंदा तेरे अंदर नहीं बढ़ सकता। अच्छ किन्ने लोग आ